गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक है और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है EVS स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था और दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ओके, हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट किए थे चलो हम देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक था एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। एक्सटर्नल पार्ट्स उसे बोलते हैं जो बाहर के हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट्स हमने कौन से देखे थे? तो हेड, हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ये सारे हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इंटरनल पार्ट्स में हमने पढ़ा था ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टोमक, ये सारे हमारे शरीर के अंदरूनी भाग है। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन मतलब क्या? ऐसे ऑर्गन जिससे हमें चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कैसी है वो हमें पता चलता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। चलो हम डिटेल्स में देखेंगे व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स। द स्पेशल ऑर्गन ऑफ वो बॉडी दैट टेल्स अस अबाउट द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, राइट? तो दैट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। देर आर 5 सेंस ऑर्गन। कितने टोटल सेंस ऑर्गन्स है? 5। पहला है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड आवर स्किन। ओके, आईज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो सब हम आगे टॉपिक में देखेंगे। तो ये मेन 5 सेंस ऑर्गन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलो, ये रहे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। पहला है हमारा ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। कोई भी साउंड जब हम सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रही हूँ तो यू आर लिसनिंग, यू आर हियरिंग, तो वो किसकी हेल्प से होएगा? तो कान की हेल्प से। तो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर। नेक्स्ट आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स। कोई भी चीज़ हमें देखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप देखेंगे फ़ोन में या लैपटॉप में, तो ये किसकी हेल्प से आप देख रहे हो? तो आँख की हेल्प से, आईज। तो आईज हेल्प अस टू सी। कोई भी चीज़ हमें सराउंडिंग में देखनी है तो हमें आईज की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नोज। नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। कोई भी चीज़ को हमें स्मेल करना है, राइट? तो कैसे करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे? तो नोज। कोई अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, तो सारी चीज़ें हमें नोज से पता चलती है। ओके, नेक्स्ट है टंग। हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। फिर टंग, तो टंग की हेल्प से हम कई प्रकार के टेस्ट को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, तो मिल्क अगर हॉट है तो यू विल अंडरस्टैंड, हाथों से भी पता चलेगा आपको। यहाँ पे स्किन, तो अगर आपने गर्म पकड़ा है तो आपको हाथों से भी पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है, या तो पियोगे तभी भी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है टंग की हेल्प से। ओके, ठंडा गर्म ये हाथ से भी, स्किन से भी पता चलता है और टंग से भी पता चलता है। कोई चीज़ कड़वी है, मीठी है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? तो हमारी टंग। नेक्स्ट स्किन हेल्प्स अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, रफ, हॉट एंड कोल्ड। कोई चीज़ कैसी है? कोई चीज़ एकदम नरम है, स्मूथ मतलब लीसी है, या रफ मतलब खरबचड़ी बोलते हैं गुजराती में, वैसी है। कौन सी चीज़ कैसी है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हेल्प ऑफ आवर स्किन। हमारे हाथों से हमें पता चलेगा या हमारी स्किन से हमें पता चलेगा कि जो चीज़ आपने छुई है, टच की है, वो चीज़ कैसी है, गर्म, ठंडी, ये सारी चीज़ें हमें टच से पता चलती है। ओके, तो ये हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। राइट डाउन विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू यूज इन ईच केस। कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होता है वो हमें देखना है। आई टेस्ट एन आइसक्रीम विथ माई टंग। TONGUE टंग। तो हम अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा आइसक्रीम कैसी है? तो हमारी टंग से पता चलेगा कि आइसक्रीम कैसी है। आई हियर द टेलीफोन रिंग विथ माई
जब भी फोन की रिंग बजती है तो रिंग कैसे सुनाई देगी हमें? आंखों से? नो, कानों से हमें सुनाई देगी कि फोन बज रहा है, तो वो ईयर। तो कानों से हमें सुनाई देगा कि फोन बज रहा है। आई फील द रफ ब्रेक ऑफ बार्क ऑफ ट्री विथ माय, जैसे ट्री का जो लकड़ी होती है उसको बार्क बोलते हैं, ओके? तो मैं अगर ट्री को टच कर रही हूँ और उसका जो लकड़ा है वो रफ है, मतलब खड़ बज रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो मेरे स्किन से, SKIN, स्किन। आई सेंस द स्मेल ऑफ अ फ्रेश बेक केक विथ माई, अगर घर में कोई चीज बेक हो रही है जैसे केक बन रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा केक बन रहा है? तो मेरे नोज से। तो ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन के बारे में थे। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। ये ब्रीफ है, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, अब हम बस ब्रीफ में देखेंगे। पहला है एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स किसे बोलते हैं? द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन सी, ऐसे बॉडी के पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, राइट? तो विच पार्ट वी कैन सी, वो हमारे एक्सटर्नल मतलब बाहर के पार्ट्स है। इंटरनल पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर इनसाइड आवर बॉडी, ऐसे बॉडी के पार्ट जो हमारे बॉडी के अंदर है जिसे हम देख नहीं सकते, ना देख सकते ना टच कर सकते हैं, ओके? बोन्स, द हार्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट प्रोवाइड अस शेप, बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है उसे हम बोलते हैं बोन्स। तो बोन्स एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जिससे हमें पूरा शेप मिलता है, ओके? मसल्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू मूव, हमारे बॉडी को इधर से उधर मूव करने के लिए क्या हेल्प करता है? तो मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। ये चैप्टर में हमने तीन टॉपिक पे की है, पढ़ाई की है, अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट अस प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको टिक राइट या रॉन्ग करना है, ओके? चलो स्टार्ट करेंगे। वी थिंक विद अवर लंग्स, हमें जब सोचना होता है तो हम लंग्स की हेल्प से सोचते हैं, तो नो, हम सोचते हैं ब्रेन की हेल्प से। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। Our brain controls all our body movements. हमारे बॉडी के पूरे मूवमेंट्स है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो यस, जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है बॉडी का, वो ब्रेन की हेल्प से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, our toes आर प्रेजेंट इन our hands. हमारे हैंड्स में जो है उसे हम टोज बोलते हैं। नो, जो पैर की उंगलियाँ होती है उसे हम टोज बोलते हैं। तो हैंड्स में थोड़ी आएंगे टोज, जो हैंड्स में होती है उसे तो फिंगर्स बोलते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा ये। स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, हमारा खाना हम खाते फिर पचता स्टोमक की हेल्प से है, तो यस, तो ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। मसल्स हेल्प आवर बोन्स टू मूव, हमें मूव करने के लिए मसल्स हेल्प करते हैं, तो यस, ओके, मसल्स की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है Fill in the blanks with given words. और कर दीजिए ऊपर, ओके। चलो अब हम करेंगे, यहाँ पे वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, फर्स्ट हम ब्रैकेट में वर्ड्स देख लेंगे। हार्ट, लंग्स, मशीन, टीथ एंड हेड, ओके। अब हम ब्लैंक्स रीड करेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ बिग, हमारा जो मानव शरीर है वो बिग कैसा है? तो मशीन के जैसा। तो ये रहा हमारा स्पेलिंग, MACHINE, ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारा पूरा शरीर एक पूरा मशीन के जैसा काम करता है। अवर डेस्क रेस्ट ऑन अवर नेक, हमारे नेक के ऊपर क्या रेस्ट करता है, क्या होता है? तो हेड, HEAD, हेड। डैश हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में हमें कौन से बॉडी ऑर्गन की हेल्प करती? पहले तो नोज तो होता ही है, नोज के बाद जब हम ब्रीथ इन करते हैं आउट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ लंग्स। यहाँ पे मैं एल कैपिटल करूँगी क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है LUNGS, लंग्स। हमेशा जब भी सेंटेंस स्टार्ट होएगा तो वर्ड शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ओके? मीड ऑफ द सेंटेंस अगर प्रॉपर नाउन है तो यू विल राइट इन कैपिटल, अदरवाइज स्मॉल। चलो नेक्स्ट, आवर माउथ हैज ए टंग एंड मैनी, हमारे माउथ के अंदर
एक ए टंग मतलब एक टंग होती है और बहुत सारे मैनी टीथ ओके टी डबल ई टी एच टीथ लास्ट ब्लैंक्स द डैश पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी पूरे शरीर में ब्लड कौन पहुंचाता है तो हार्ट एच ई ए आर टी हार्ट हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम किसका है तो हार्ट का यहाँ पे हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट होती है नाउ विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शन दिए हुए तो यहाँ पे पार्ट्स के नेम है यहाँ पे उनका फंक्शन है तो दोनों को हमें मैच करना है ओके फर्स्ट है लंग्स नेक्स्ट ब्रेन मसल्स स्टॉमक एंड हार्ट तो यहाँ पे मैं उनके फंक्शंस रीड कर लेती हूँ फिर दोनों को हम मैच कर लेंगे फर्स्ट है डाइजेस्ट फूड पम्प्स ब्लड हेल्प अस टू थिंक हेल्प इन मूवमेंट हेल्प अस टू ब्रीथ अभी लंग्स है तो लंग्स हमें क्या करते हैं तो सांस लेने में हेल्प करते हैं तो हेल्प अस टू ब्रीथ तो यहाँ पे मैच होगा इसके साथ हेल्प अस टू ब्रीथ नेक्स्ट है ब्रेन ब्रेन की मदद से हम सोच सकते हैं तो हेल्प अस टू थिंक तो ये रहा सी हेल्प अस टू थिंक ब्रेन है दिमाग है वो हमें सोचने के लिए हेल्प करता है मसल्स मसल्स यानी मांसपेशियां उनकी हेल्प से हम इधर से उधर चल सकते हैं या कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं तो ये रहा हेल्प इन मूवमेंट तो थ्री का होएगा डी चलो नेक्स्ट स्टॉमक तो स्टॉमक जो हम खाना खाते हैं वो पचता है तो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं तो स्टॉमक डाइजेस्ट फूड हार्ट हार्ट की हेल्प से क्या होता है पम्प्स ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है हार्ट तो ये यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्या है लुक एट द पिक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड नेम देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं तो जो पिक्चर के नीचे सही नाम है वो बस हमें लिखना है चलो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है मैं पहले बॉक्स रीड कर लेती हूँ हार्ट लेग्स आईज स्टोमक एंड टंग अभी पिक्चर के नीचे जो उसका सही स्पेलिंग है वो हम लिखेंगे ओके चलो स्टार्ट करेंगे पहला है ये है टंग तो ये रहा टंग का स्पेलिंग स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर टी ओ एन जी यू ई टंग ये है हमारे लेग्स अगेन एल विल बी कैपिटल एल ई जी एस लेग्स ये है हमारी आईज ई विल बी कैपिटल नेक्स्ट ये है स्टॉमक तो ये रहा स्टॉमक का स्पेलिंग एस टी ओ एम ए सी एच और लास्ट है हार्ट तो ये रहा हमारा हार्ट का स्पेलिंग एच ई ए आर टी हार्ट तो यहाँ पे हमारे ये सारे स्पेलिंग कंप्लीट होते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अभी हमें ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं ओके मैम थोड़ा नहीं चलेगा जूम करोगे तो थोड़ा जूम कीजिए ओके मूव इट दैट साइड ओके नंबर चले गए चलो विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स अगर हमें कोई भी चीज़ को स्मेल करना है सूंघना है तो हमें कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प से हम सूंघ पाएंगे तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट का नोज ओके आंसर नंबर वन है नोज नोज की हेल्प से हम कोई भी चीज़ों को सूंघ सकते हैं विच ऑर्गन हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारा किस तरीके से डाइजेस्ट होता है तो ये रहा स्टोमक का स्पेलिंग एस टी ओ एम ए सी एच स्टोमक ये हमारा आंसर टू हो गया ओके ये आंसर सिर्फ इतना नहीं है आपको पूरा सेंटेंस लिखना है नोज यहाँ से होएगा हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स नोज के बाद ये लाइन आपको पूरी लिखनी है ओके मैंने सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है नोज बट जब आप आपकी बुक में लिखेंगे तो विल राइट कंप्लीट सेंटेंस नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इसका आंसर है स्टोमक तो स्टोमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट स्टोमक के बाद ये पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है
व्हाट आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, राइट। एंड इफ आई एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये क्वेश्चन आप आपकी चॉइस से लिख सकते हैं, कोई भी आपके जो भारी भाग है शरीर के वो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लेग्स, हैंड, नोज, आईज, ईयर्स, कोई भी पार्ट जो आपको लिखने हैं आपकी चॉइस से, आपको पांच यहाँ पे लिखने हैं, ओके। याद रखना अंदरूनी भाग नहीं, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन से होंगे, हेड, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, आप कोई भी पार्ट्स यहाँ पे फाइव आपकी चॉइस के लिख सकते हो, ओके। और ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हम स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर थ्री हमने स्किप किया है, वन और टू मैंने यहाँ पे लिखवाया है, आप फोर अपनी चॉइस से कोई भी फाइव नेम्स आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर टू कंप्लीट होता है। आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट टीचर से आप बात कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।